पिज्जे की रेसिपी बताओ तो उसके लिए पहले बनाना पड़ता पिज्जा सॉस। ये असल पिज्जा पिज्जा की जान। मस्त घर में पिज्जा बनाओ, सॉस लगाओ, खाओ। बाहर बहुत सारे मिल जाते रेडीमेड, लेकिन घर की बात नहीं आती। शायरी अर्ज करती हूँ, चिकन का खुरमा। मुंह को भी लगाती ना मैं, इसलिए थोड़ा हेल्दी भी खाना जरूरी है। मजेदार दिख रहा, कलरफुल। मैमी पोहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदराबादी रमा अफनान के ब्लॉग से आप सबका खुशामती, और ऐसा आप सबको जुम्मा मुबारक। और ब्रेकफास्ट में क्या है खाने के लिए वो भी देखेंगे, आप लोगों को भी बताती हूँ। तो सुबह में मॉर्निंग मैमी बनाए पोहा। वाओ मजेदार दिख रहा, कलरफुल। रेडी हो गया फ्रेंड्स पोहा। अलग अलग सुबह में खाना जबरदस्त दिखता, तो आज बनाया मम्मी पोहा। खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, और उसके साथ लाती मैं चाय, उसके बगैर अच्छा नहीं दिखता। और फ्रेंड्स अंडे भी है, हेल्दी। अच्छा। चीज़ खाए, थोड़ा हेल्दी भी खाना जरूरी है। पोहे के भी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, मॉर्निंग में आप लोग अभी खा सकते हैं, हेल्दी है ये, अच्छा और मजेदार। अच्छा, और इसमें डाले अम्मी फली है सो, हरी मिर्ची, इसमें लाल मिर्ची नहीं डलती, तो सोंदा बहुत अच्छा मजे का है। लिए मजे का बना था ब्रेकफास्ट में, कुछ अलग अलग रोज खाना मजा ही अलग है। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी, बाद में करती हूँ, कहीं को बोलते बहुत भूख लग रही थी तो खा लिए। और ऐसा आप लोग कमेंट्स करें कि पिज्जे की रेसिपी बताओ, तो उसके लिए पहले बनाना पड़ता पिज्जा सॉस। बाहर बहुत सारे मिल जाते रेडीमेड, लेकिन घर की बात नहीं आती। तो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ पहले पिज्जा सॉस की रेसिपी, तो चलो फिर किचन में। तो फ्रेंड्स पिज्जा सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैं पूरा रेडी कर दी। 1 किलो है सो टमाटे ली मैं, और थोड़े घटघट टमाटे रहना, नरम नहीं रहना, कहीं को बोल तो पानी पानी हो जाता इसलिए। तो ये थोड़े घटघट टमाटे हैं, थोड़े देखो ऐसे ऐसे कलर के। और है सो मिर्ची, आपके हिसाब से लियो, इसमें लाल मिर्ची नहीं डालना है तो सूखी मिर्ची, जितना तेज खाते उतना लियो, मतलब थोड़ा तेज खाते तो इतना ली मैं। और ये 3 डली है सो लहसुन के है, तो छील के है सो उसको ऐसा रख ली मैं साफ। और ये काली मिर्ची अच्छा ऐसा कूट के इतनी भूसी रखी, इतनी नहीं डालना है लेकिन थोड़ी। और ऐसा यहाँ पे प्याज पीस के है सो, 1 ही डली है ये, खुर्रा नहीं। खुल गया, तो 1 ही डली है, इतनी डालना है प्याज, जैसे अंडे में डालते वैसा कर दी मैं इसमें गर गर करके। अब है सो क्या करना है बोले तो, पहले टमाटे है सो अच्छा काटेंगे, आप लोग बता दी कैसा काटना है, उसके बाद उबालेंगे पानी में। तो फ्रेंड्स पहले टमाटर काटना बताती हूँ मैं, ये छे मेन, पहले ऐसा इसको ये निकाल देंगे, और ऐसा अब ये इसको ऐसा ऐसा कट लगाएंगे, और लाइट कहीं को बोलते ऐसा छिलका पकड़ के ऐसा खींच के निकाल दे सकते, इसलिए इतना लगाना है अपने को, यहाँ से नहीं, यहाँ से लगाए तो नहीं निकलता छिलका। तो ऐसा ऐसे पूरे ऐसा ये कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं पूरे ऐसा ऐसे कटा लगा ली, अब ऐसो इसमें डालना है पानी जितना ये गले उठा, तो इसको रख देंगे अब गैस पे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट रखेंगे, 5 मिनट में हो जाते गल जाते, बोल तो नरम रहता ना छिलका, खाली निकालना है, तो स्पीड गैस पे ढाप के रख देंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट गैस पे स्पीड रख दी थी मैं, टमाटे गल गए होंगे, अब उन लोगों को डालना है बर्फ में, इतने थोड़े कितना जमा दे। मुंह को भी लगाती ना मैं इसलिए, तो अब थोड़ा लेके टमाटे डालेंगे। एक लगन में थोड़ा पानी ले ली, वो भी ठंडा पानी है, और उसमें डाल देंगे बर्फ। टमाटे भी अच्छे गल गए फ्रेंड्स, इन लोगों को निकाल देंगे, और अलग निकालना पड़ता, फूट जाते ना तो। छिलका देखो अभी से निकल जा रहा, पूरा निकाल दी फ्रेंड्स। और ऐसे बर्फ में इसलिए डालना है टमाटे, कई को बोलते हैं लोग जरा घट घट रहते, पानी पानी नहीं होता, और ऐसा पूरा 1 महीना रख के फ्रिज में खा सकते, खराब भी नहीं होता, तो इसलिए ऐसा बर्फ में डालना जरूरी है। अब थोड़े ठंडे हुए, इसके छिलके निकालेंगे, और ऐसा पूरे नहीं डालना है ये, थोड़े रखना है, बाकी के पूरे डाल देना है,
तो ये पूरा कर। तो फ्रेंड्स इतने हैसो में छिलके निकाल के इसमें डाल दी, बड़े बड़े जो छोटे थे इसको साइड में कर दी। कई को बोले तो इसको छिल के इसके पूरे बीजियां जो रहते वो निकाल देना है, न तो खट्टा हो जाता बहुत, इसलिए तो ये कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इतने टमाटरों का पूरे बीजियां निकाल दी मैं, और ऐसे छोटे रहो या बड़े रहो आधे टमाटर के बीजियां निकालना ही छे। तो इतने निकाल दी मैं, अब ऐसो इसमें डाल के पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स पूरे टमाटर पीसे गए, अब निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लहसुन भी पीस ली मैं, ज्यादा मोटा मोटा रखी मैं, ज्यादा बारीक नहीं करी। और ऐसो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी, सूखे मिर्चियां पीस लिए तो चिली फ्लेक्स बन गया, तो ये नहीं डालना है। डालना है इसमें ओरिगेनो, नमक और ऐसे काली मिर्ची, बटर। तो पहले स्टार्ट करेंगे, बटर डालेंगे कढ़ाई। तो फ्रेंड्स इसमें डालेंगे बटर, एक चमचा है ये बड़ा। अब इसमें डालेंगे लहसुन, खुशबू आना अच्छी और ऐसा सुनहरा होना जब तक इसको तलना है बटर में। फ्रेंड्स ये हो रहा तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही, सुनहरा हो गया। अब इसमें डाल देंगे प्याज और डालेंगे बटर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, खुशबू अच्छी आ रही फ्रेंड्स, कच्चा नहीं रहना लहसुन, और ऐसो प्याज भी अच्छी सुनहरी होना। उसके बाद डालना है टमाटर, तो इसको अच्छा भुनना, ये छे असल। तो फ्रेंड्स अच्छा बादी, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये बादी। तो फ्रेंड्स अच्छा बादामी कलर हो गया, अब इसमें डाल देंगे टमाटे जो पीस के रखे थे। फ्रेंड्स मिक्स नहीं करना है, अब डालना है इसमें जो सूखे मिर्चियां पीसे थे चिली फ्लेक्स वो, और तेज आपके हिसाब से डाल सकते हैं, वहां तेज खाते इसलिए इतनी डाल रही हूं मैं। एक बड़ा चमचा काली मिर्ची और एक चमचा ओरिगेनो, ये छे असल पिज्जा पिज्जा की जान। और फ्रेंड्स एक चमचा ओरिगेनो, ये छे पिज्जा की जान। और फ्रेंड्स नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। अब ऐसे फ्रेंड्स इसको अच्छा मिक्स करना है, और ऐसे इसमें पानी नहीं डालना, अगर पानी डाले खराब हो जाता और ऐसो रख के नहीं खा सकते। अगर इसमें पानी नहीं डाले तो पूरा एक महीने तक रख के खा सकते फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में। तो इसको अच्छा पकने देंगे। तो फ्रेंड्स अच्छा स्पीड गैस करके इसका पूरा पानी सुखाना है, जब तक हिलाना कई को बोल तो नीचे पकड़ लेता, इसलिए तो ढाप के रख दी थी फ्रेंड्स मैं। अब देखो पूरा सूख गया अच्छा पानी, थोड़ा ठीक हो गया इन्हें, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही, पूरा घर महक रहा इसकी खुशबू से। तो फ्रेंड्स मैं गैस भी बंद कर दी, रेडी हो गया ये, थोड़ा ठंडा हुए बाद में स्टोर करके इसको फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स पिज्जा सॉस जब तक ठंडा हुए तक बनाना स्टार्ट कर देंगे। जुम्मा स्पेशल चिकन का खोरमा, और उसके साथ तो लाजिम है बघारा खाना। तो चलो फिर किचन में। तो फ्रेंड्स खोरमा बनाने के वास्ते मैं आलू काट के यहाँ पे रेडी कर दी, और ऐसो खोपरा फली खसखस ऐसो अच्छा ऐसो भून ली, प्याज थोड़ा तेल डाल के तल ली, तो ये रेडी हो गया। इसको मैं पहले पीस लेती। तो फ्रेंड्स अच्छा मसाला भी पीस ली मैं बारीक। अब इसमें डालना है छोटी कटोरी दही, पत 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 हुआ। अब इसमें डाल देंगे मिर्ची, हल्दी और नमक। तो अब डाल देंगे फ्रेंड्स हरा मसाला, कुतमीर पुदीना और हरी मिर्चियाँ, इसमें थोड़ा पानी निकाल के। तो फ्रेंड्स ये हो गया, इसको साइड में रख देंगे। अब है सो आलू भिगने डाली थी, अब इसको तलेंगे तेल में। तो तेल भी डाल दी फ्रेंड्स, अब डालेंगे आलू, पानी फेंक दी मैं उसका। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स उबाल के भी डालते आलू, लेकिन तल के डालना बहुत मजे का सालन होता, तो इसलिए ऐसे मैं तल के डालती हूँ। तो फ्रेंड्स अच्छे सुनहरे हो गए, तो इन लोगों को भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स वही तेल में ऐसे प्याज डालेंगे, यहाँ पे ले ली मैं छोटी डली, उसमें डाल देंगे दो चमचे अदरक लहसुन, शाहजीरा और ऐसे दो इलायची,
अच्छे सुनहरा करेंगे अदरक लहसुन की बो जाना जब तक। तो प्याज अच्छी सुनहरी हो गई फ्रेंड्स और है सो अदरक लहसुन की खुशबू आ रही। तो अब इसमें डाल देंगे मसाला जो पूरा रेडी करके रखे थे, ये बस मतलब थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स में जो जग में था उसका। तो फ्रेंड्स अच्छा मिक्स कर दी मैं, अब इसको है सो ढाप देंगे। तो फ्रेंड्स खुरमा हुए तक यहाँ पे बघारा खाना भी बना देंगे। भगोना ले ली मैं, इसमें डाल रही हूँ तेल दो पल्ली और इसमें डाल देंगे एक डल्ली प्याज, दो चम्मच अदरक लहसुन। अब डाल देंगे पट्टा शाजीरा और है सो दो इलायची और इसी के साथ डाल देंगे कोथमीर पुदीना और हरी मिर्चियाँ। कलर तो देखो और सोंधी खुशबू आ रही, सोंधा वगैरह खाना बनता। तो फ्रेंड्स अच्छा सुनहरा कलर हो गया लाइट, अब इसमें डाल देंगे पानी। खाने के हिसाब से डाल रही हूँ 3 कटोरे। फ्रेंड्स 3 कटोरे पानी डाल दी मैं, अब इसमें डाल देंगे खाने के हिसाब से नमक। मैं 2 माप ली तो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ नमक के। अब इसको अच्छा उबलने देंगे, औंटने देंगे, उसके बाद चावल डाल। पानी में है सो थोड़ा डाल देना हरा मसाला। अब इस पर थाली ढाप देंगे और सालन में भी अच्छा तेल आ गया। तो अब इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स पूरा चिकन। पूरा चिकन धो के रख दी थी मैं, अब डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स इसको अच्छा मिक्स कर लेती हूँ मैं एक बार। ये तो लेग पीस को ऐसा कटा भी मारी, अंदर जाना बोल के पूरा सालन। अच्छा तो फ्रेंड्स अच्छा भुंदी और तेल भी आ गया। अब ऐसा गोश्त गले होता पानी डालेंगे 1/2 कप। पानी बघारे खाने का अच्छा औंटरा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डाल देंगे चावल साफ धो के है सो मैं भिगने डाल के रखी थी, तो मैं पूरा डाल लेती हूँ। तो पूरे चावल डाल दी फ्रेंड्स मैं, अच्छा मिक्स कर लेती हूँ एक बार और है सो थाली ढक के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स पूरा चिकन अच्छा गल गया। अब है सो इसको थोड़ा पतला करने के वास्ते 1 ग्लास पानी डालेंगे भर के और इसमें आलू भी जो काट के और ऐसे तल के रखी थी ये डाल देंगे, थोड़ा कोथमीर पुदीना भी ऊपर, इससे कलर और फ्लेवर बहुत मजे का दिखता फ्रेंड्स। तो अब इसको धीमा दम पे छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना भी पूरा अच्छा हो गया तो इसको दम दे देंगे अब अच्छा पूरा साफ ऐसा करके ढक। तो फ्रेंड्स बघारा खाना और ऐसा खोरमा दम पे है। तो ये देखेंगे पिज्जा सॉस जो बना के रखे थे साइड में पूरा अच्छा ठंडा हो गया, तो इसको स्टोर कर देंगे डब्बे में डाल के फ्रिज में। और ऐसो फ्रेंड्स इसका कलर नेचुरल टमाटर का और ऐसो क्या बोलते हैं मिर्ची का उसका कलर आया, नेचुरल कलर ही अच्छा दिखता है ऐसा वाला। अगर आप लोगों को डालना है रेड बोले तो इसका कलर्स भी डाल सकते हैं आप, रेड वाला जो फूड कलर आता वो, लेकिन हम लोगों को ये कलर ही अच्छा दिखता मेरे को तो ये रखी मैं। तो रेडी हो गया फ्रेंड्स पिज्जा सॉस, जबरदस्त बनता है ये, आप लोग भी एक बार ट्राई करो। हम लोग तो ऐसा बनाते स्टोर करते रख देते, उसके बाद जब दिल बोला लगाते बनाते पिज्जा खाते लेकिन बहुत मजे का बनता। और है सो पिज्जा टो जो रोटी रहती है उसका भी शेयर करती हूँ कल, आज है सो पिज्जा सॉस की रेसिपी थी। तो अब ये रख देंगे फ्रिज में, ढक्कन कौन लाना ढक्कन भूल गई मैं। तो फ्रेंड्स इसको अच्छा स्टोर करके फ्रीजर में ना रखना, बर्फ बन जाता, नीचे फ्रिज में रखना 1 महीने तक, लगाओ खाओ डन। अब है सो शायरी अर्ज करती हूँ। तो फ्रेंड्स अर्ज किया है, माँ कहती है जन्नत तो सभी मांगते हैं पर मिली हुई जन्नत की कोई खदर नहीं करता। तो हमेशा की तरह अम्मी निकालते हैं खटोरे में। ओ अम्मी पहले लेग पीस निकाले, वो भी कांच का खटोरे में। अम्मी पहले गोश्त गोश्त निकाल रहे बाद में सालन डालते हल्लू। तो रेडी हो गया फ्रेंड्स चिकन का खुरमा, जबरदस्त खुशबू आ रही।
अब खाएंगे बघारे खाने के साथ। कोरमे का मजा तो फ्रेंड्स बघारे खाने से है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता। तो बिस्मिल्लाह करेंगे। मजे का, बहुत मजे का बना। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे, मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बघारा खाना पहले बघारा खाना। अल्लाह थोड़ा गरम मसाला डाल देना। ये वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे।